हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ के घर का सब काम खत्म कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं इधर कुछ कपड़े धो रही हूँ, पापा के और मेरे तो कुछ कपड़े थे तो वो मैंने रात को भिगो के रखा था, तो वही मैं धो रही थी अच्छे से। और ना मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे बाहर जाना है इसलिए। और बाकी मैं तो इधर धो रही हूँ अच्छे से। मुझे ना एक बात बोलूँ, सच्ची बता रही हूँ गाइस, मुझे ना कपड़ा धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी बर्तन मांझना ये सब मुझे अच्छा लगता है, बट ये कपड़ा धोना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट क्या करूँ गाइस, करना तो पड़ता है। तो वही मैं साफ कर रही थी अच्छे से, इसको धो रही थी पानी में डुबो के, तो वही बस कर रही थी। उसके बाद तो कपड़ा धोना ख़त्म हो गया और उसके बाद मैंने जल्दी से झटपट से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया। तो ब्रेकफास्ट में था रोटी बिस्किट चाय एज यूजुअल। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बाल बहुत भीगा हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं बांध रही हूँ इसे, थोड़ा सा मतलब बस सुखा रही हूँ। तो ये सूखने के बाद बस थोड़ा बचा है, वो सूखने के बाद मैं पॉनी कर दूंगी। सो गाइस, सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मैं अपना आउटफिट ऑफ द डे आपको नहीं दिखा पाई। आई एम सो सॉरी क्योंकि ऑटो वाले अंकल ना जल्दी जल्दी आ गए थे और उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी आओ जल्दी आओ, और मैं ना भाग भाग के गई थी। सच्ची बता रही हूँ गाइस, इतना गुस्सा आया ना मुझे, इतना दौड़ दौड़ के मैं जा रही थी। तो बस वहीं पे मैं ऑटो पे चढ़ गई थी और मैं जा रही थी। ये देखिए, और ये देखिए बाहर का व्यू ऑसम है, अमेजिंग है सच्ची में। और धूप बहुत ही ज़्यादा था गाइस। और ये देखिए गाइस, ये है हमारे यहाँ का काली मंदिर, थोड़ा सा प्रणाम कर लीजिए आप भी, मैंने भी कर दिया। 2000 years later. सो गाइस, सिलचर पहुँचते ही ना मैं थोड़ा सिटी गार्ड गई थी और विशाल भी गई थी, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया वो वाला पार्ट क्योंकि मैं ना भूल गई थी और साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो फिर हम गए थे एक रेस्टोरेंट में, फूडीज अड्डा, जिसमें ऑथेंटिक इंडियन मतलब इंडियन फूड साथ में चाइनीज फूड भी है। और ये है प्रेमतला में, तो आप लोग विजिट कर सकते हो वहाँ जाके। और गाइस, इसका डेकोरेशन सिंपल में काफ़ी अमेजिंग था। ये देखिए गाइस, फ्लोर जब हम लोग चल रहे थे ना, स्टेयर के सामने ऐसे डिज़ाइंस करा हुआ था फ्लावर्स का। उसके बाद अंदर घुसने के बाद ये देखिए गाइस, काफ़ी क्लासी है, मतलब सिंपल है बट मुझे बहुत अच्छा लगा। उतना डेकोरेशन नहीं है बट हाँ, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए गाइस, वाइट कलर का ऊपर सीलिंग है, साथ में वो जो ब्राउन कलर का पीछे का वॉल है ना, मस्त दिख रहा था गाइस। और साथ में टेबल चेयर सोफा मस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाने की बात करो तो गाइस, खाना यमी था, यमी बहुत ज़्यादा यमी। सो गाइस, खाने में हमने ऑर्डर किया था वेज फ्राइड राइस साथ में बटर चिकन मसाला, जिसमें 3 pieces था और जिसका प्राइस हमें पड़ा 220 rupees। साथ में जो वेज फ्राइड राइस है वो 100 rupees का पड़ा था। तो ये देखिए मैं ले रही थी, मतलब खाने में काफ़ी टेस्टी है। ये देखिए मैंने लेग पीस भी लिया है। और देखिए गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप उधर जाके ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा क्योंकि ये न्यूली ओपन किया हुआ रेस्टोरेंट है और सर्विस बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, मतलब बहुत टेस्टी था। और ये देखिए मैं ठूस रही थी, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगा था गाइस, तो मैं एकदम खा रही थी अच्छे से। और ये देखिए लेग पीस की बारी, चिकन लेग पीस जो कि है मेरा फेवरेट पार्ट, वो मैं खा रही थी। ये देखिए मैं आपको भी थोड़ा सा खिला रही हूँ। तो खाना खाने के बाद हमने एक स्टिंग भी खाया साथ में, मैं ऑटो में चढ़ गई थी। उसके बाद ये देखिए गाइस, इतना धूप है ना, और मैं जब अपने घर आ गई थी ना, उधर रास्ते में मतलब हमारे यहाँ से रास्ता 10 मिनट की दूरी है, वहाँ पे ना ही एक ऑटो था ना ही एक रिक्शा था, तो मैं पैदल जा रही थी इतना गर्मी में गाइस, और मैं आइसक्रीम भी खा रही थी। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो गाइस, मैं ना घर आ गई थी 3:30 बजे, और उसके बाद ना मेरा काम ख़त्म हो गया था 2:30 को ही मेरा काम ख़त्म हो गया था, बट आते आते 3:30 to 3:40 हो गया। उसके बाद आके ना सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा सो गई थी, और मतलब जस्ट ऐसे लेटी हुई थी। और अभी रोटी बनाया और
अभी तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इधर वर्क करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और साथ में ना मैंने अभी नहीं, मीन्स जब से मैं आई हूँ ना तब से मैंने 3 बोतल ठंडा पानी पी लिया और अभी मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है। सो गाइज, मैंने नई कवर लिया और कुछ खाने को लेके आई थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।